दोस्तों यामा फसिनो ये स्कूटी है, इसके अंदर डिफेक्ट क्या थी, गाड़ी स्टार्ट तो हो रही थी पर जैसे ही स्टार्ट होती थी फक करके बंद हो जाता था। मतलब ये प्रॉब्लम अगर किसी यामा स्कूटी और फसिनो में आए ना तो इसके अंदर एक वो सिस्टम होता है एग्जॉस्ट का, और वो प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। दोस्तों मैंने ये शायद आप पहचानते होंगे इसको क्या बोलता है, इस आइटम को मैंने इसको ओपन किया है ताकि आप भाइयों को मैं दिखा पाऊँ कि इसके अंदर क्या डिफेक्ट होता है जो गाड़ी फक फक करता है। ये कभी वॉश और क्लीन नहीं हुआ, ये हम इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे। और मैं आपको सारे स्क्रू मैंने जो भी थे इसके अंदर वो मैंने खोला है और मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कंडीशन, आप हैरान हो जाओगे देख के कि भाई इतना डस्ट देख रहे हो भाई। मतलब इसके अंदर रीड वाल लगे हैं ना, बिल्कुल ब्लॉक हो गए, बिल्कुल ब्लॉक कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। इसके अंदर हालत देखो इसकी, पानी और कार्बन इतना ज़बरदस्त है, कैसे वर्क कर पाएगा इस चीज़ को आप सोच रहे ना। थोड़ा वीडियो दोस्त लंबा हो जाएगा पर वीडियो देखना प्रॉपर नॉलेज वाली वीडियो है। कोई फसिनो में ये दिक्कत आ रहा हो ना, स्कूटी चला रहे हैं और फक करके बंद हो रही है, तो ज़्यादातर 90% इसकी प्रॉब्लम होती है, या तो नया डलता है या तो क्लीन हो गई प्रॉपर सही हो जाता है। यामा के शोरूम में ये अवेलेबल है और बाहर भी शायद मिल जाएगा। ये इसका पार्ट नंबर है 2RB। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर के वाल कंडीशन देखना, देख लो दोस्तों इतनी गंदी, देखो हालत देखो इसकी भाई साहब, बहुत बुरा हाल है, इतना गंदा है। अब इसके अंदर भी दिखाता हूँ मैं, देख लो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, प्रॉपर अच्छा लगेगा आपको देखने में। दोस्तों हालत आप देख ही पा रहे हैं क्या कंडीशन है इसकी, मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ पेट्रोल से, कितना गंदा है इसके अंदर आप देख पा रहे हो, कितना कार्बन है। पूरी वॉश होने के बाद ऐसा लगता है कि सही हो जाएगा, हालत देख रहे हो कितनी गंदी है।
दोस्तों एक चीज़ और रह गया इसका, एक मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, छोटा सा ये सिस्टम है। ओपन होता दोस्तों, इसका ये रोल है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि क्या हालत थी इसकी, अब देखो हमने पूरा वॉश किया है प्रॉपर, इस चीज़ को क्या बोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसका क्या नाम है। इसको बोलते हैं AIS, इसको बोलते हैं AIS। ये एक पार्ट होता है जो हमारे फिल्टर से कनेक्ट होता है, उसके बाद हमारे कार्बोरेटर में कनेक्ट होता है इसकी पाइपें, वो इसका रोल जो रोल है ये कार्बोरेटर से रिलेटिव जो पाइप है उसके अंदर कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं AIS। अगर इसके अंदर डस्ट और काफ़ी कार्बन जमा हो जाए, जिस तरह मैंने वीडियो में देखा था आपने कितना बुरी हालत है, उसकी वजह से गाड़ी के अंदर फक फक की प्रॉब्लम आती है, फक करके और स्टार्टिंग ट्रबल करते हैं, स्टार्ट भी नहीं होती, उसकी वजह से भी ऐसा दिक्कत आती है। तो आप ज़रूर इसको खोल के क्लीन करें, इसका नाम AIS है। अभी फ़िलहाल मैं फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, एक हाथ से ही फ़ोन पकड़ रहा हूँ भाई, आप थोड़ा वीडियो में मैं एक हाथ से आपको फिट करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। पहला पार्ट ये है जो इसकी हालत इतनी बुरी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि सर्कल बना हुआ कि कैसे ये लगेगा, बहुत ही इसी तरीके से लगेगा दोस्तों, ठीक है, और ये ऐसे लगेगा, ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप इसको ऐसे फिट करते हैं जैसे मैं, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ही अपने हाथ से ही फ़ोन पकड़ रखा है, तो मैं आपको प्रॉपर कैसे गाइड करूं, क्योंकि मेरे पास कोई लड़का भी नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। ये चार पेंच है जिसमें कि सेम पेंच है, दो पर के हैं, चार इसके हैं, तो मैं एक हाथ से ही लगा रहा हूँ दोस्तों, देख पा रहे हैं दोस्तों, वीडियो फुल नॉलेज वाला वीडियो है, आप प्रॉपर इसको देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है दोस्तों। अब मेरे पास कोई है नहीं तो मैं एक मिनट में आपको फिट, आपको पता लग गया ये सारा कैसे लगता है, उसके बाद ये चीज़ ऐसे लगेगा, उससे काम खत्म, बस पेंच लगाना दोस्तों, मैं पेंच लगा के आपको फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों फिट हो चुका है प्रॉपर, देखो क्या हालत थी और क्या हमने करके वॉश करके क्लीन, बहुत अच्छा हो गया, अब मैं उसको फिट करने जा रहा हूँ। पेट्रोल की हालत देखो, दोस्तों मैं जो आपको दिखाया AIS बोलते हैं इसको, AIS सिस्टम है जो मैंने प्रॉपर जो स्टार्टिंग में वीडियो में बता नहीं पाया, तो मैं आपको क्लियर इसका नाम बता दूं, इसको AIS बोलते हैं। गाड़ी में जो डिफेक्ट बता रहा था मैं, जैसे स्टार्ट हो रही थी, वर्क भी कर रही थी पर गाड़ी स्टार्ट करते एकदम पक करके बंद हो रही थी, तो ये डिफेक्ट इसके अंदर ही 90% आता है, ये तो ख़राब रहता है इसके अंदर, या तो आपने देखा कितना कार्बन था, उसके वॉश करने से ये प्रॉपर ठीक हो जाता है। मैं असेंबल करके दिखाता हूँ उसके अंदर कैसे ये असेंबल होगा, आप इसको जितने मैकेनिक भाई हैं इसको पता होगा क्या चीज़ है ये। फिलहाल तो ये बहुत नॉलेज वाली वीडियो भाई, प्रॉपर देखें इस वीडियो को, ये यहाँ लगेगा दोस्तों, एक पहला ये वाला पाइप है, दोस्तों एक तो लगा दिया मैंने, और दूसरा पाइप फिल्टर बॉक्स के इसमें लगेगा। दोस्तों आपने देख लिया कैसे फिट हुआ है, और ये कार्बोरेटर के अंदर जो एक पाइप आता है
ये देख पा रहे हो आप, ये पाइप लगाओ इधर, देखो ये पाइप है जो उसमें कनेक्ट होता है। फिलहाल मैं इसके स्क्रू लगा देता हूँ। दोस्तों कंप्लीट फिट हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे पास कोई माइक नहीं है जो मैं इसके आपको साउंड सुना पाऊँ। फिलहाल मैं इसको देख रहा हूँ, स्टार्ट तो होगी गाड़ी, एक बार दोबारा चेक करता हूँ, फाइनली मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों गाड़ी पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, और जो दिक्कत थी हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। देख पा रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, भाइयों की गाड़ी थी, फाइनली हमने कर दिया ठीक, कोई मार्केट। Thank you.